अपने आशियाने का सपना देखने वालों के लिए ड्रीम होम महज शब्द बनता नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह है देश में कई रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का अटका होना है। दिल्ली एनसीआर में बेजान खड़ी कई इमारतें रियल इस्टेट की खस्ताहाली को बयां करने के लिए काफी हैं। हाल के सालों में कई बड़े बिल्डर दिवाला प्रक्रिया में गए हैं, इसके बावजूद खरीदारों को घर मिलने में बेतहाशा देरी हो रही है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के मुताबिक 2021 के मध्य तक देश के शीर्ष 7 शहरों में 6 लाख से ज्यादा ऐसे फ्लैट थे जिनमें काम ठप पड़ा है या फिर देरी से चल रहा है। इनकी कीमत 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं 1,74,000 मकान ऐसे हैं जिनमें काम पूरी तरह से ठप है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा 1,13,000 मकान अटके हैं। एडवाइजरी फर्म ग्रैंड थॉर्टन इंडिया की स्टडी के मुताबिक सितंबर 2021 तक कर्ज तले दबी 223 रियल एस्टेट कंपनियां आईबीसी के तहत समाधान के लिए आईं, जिनमें से केवल 9 मामलों का ही हल निकल पाया। इस हिसाब से रियल एस्टेट कंपनियों के मामले में दिवाला प्रक्रिया के तहत महज 4% केस सुलट पाए। हालांकि आईबीसी के तहत ओवरऑल समाधान की दर 9% है। समाधान की धीमी रफ्तार से भी घर मिलने में देरी हो रही है। रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया में होम बायर्स को बड़ा हक हासिल है। उन्हें वित्तीय कर्जदाता का दर्जा मिला है, जिससे उन्हें अपने हितों का बचाव करने के लिए कर्जदाताओं की समिति यानी COC का हिस्सा होने का अधिकार मिलता है। दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए किसी प्रोजेक्ट के कम से कम 100% या 10% खरीदारों को संयुक्त रूप से आवेदन करना होता है। बैंकों का बकाया चुकाने में नाकाम रहने पर हाल ही में सुपरटेक को दिवालिया करार दिया गया। इसके अलावा ATS ग्रुप की आनंद डिवाइन डेवलपर्स और लॉजिस्टिक सिटी को भी दिवालिया घोषित किया गया है। वहीं JP इंफ्रा के मामले में समाधान योजना को COC और घर खरीदारों की मंजूरी मिलने के साल भर बाद भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो सका है। आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा सरकारी कंपनी NBCC को सौंपा गया है। योगी सरकार दिवालिया हो रहे बिल्डरों पर कड़ी नजर रखने जा रही है। सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी जो ये पता लगाएगी कि बिल्डर दिवालिया क्यों हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सुरेश बंसल बताते हैं कि जब रियल इस्टेट उफान पर था तो बिल्डरों ने निवेशकों से पैसे जुटाए, पैसों को प्रोजेक्ट में लगाने की बजाय वो जमीन पर जमीन खरीदते गए, जिसके चलते प्रोजेक्ट अटक गए। बहुत मामलों में ये भी देखने को मिला कि वास्तविक बिल्डर कंस्ट्रक्शन के लिए किसी और कंपनी से एग्रीमेंट कर लेता है और जिस कंपनी पर कंस्ट्रक्शन का जिम्मा है वो वक्त पर निर्माण नहीं करता है। ये भी एक कारण है।